बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ हमेशा की तरह आप बिल्कुल ठीक होंगे, मज़े में होंगे। तो वीवर्स, ये मैं आपके लिए आज बहुत ज़बरदस्त रेसिपी लाई हूँ, जो कि है रेसिपी दूध दुलारी की। दूध दुलारी जो है ये स्वीट डिश है, एक बहुत ज़बरदस्त स्वीट डिश है, और कई लोगों ने ट्राई भी की होगी, कई लोग ट्राई करना चाह रहे होंगे, तो उन लोगों के लिए ये मैंने रेसिपी बनाई है। तो वीवर्स, यहाँ पे मैंने 2 kg जो है वो दूध पैकेट से निकाल लिया था, उसको गर्म कर लिया था अच्छे से क्योंकि कच्चा था। फिर उसके बाद मैंने 1 पैकेट उसमें सवैयाँ, रंगदार सवैयाँ ऐड की थी, ठीक हो गया। तो मैं फिर इसमें ऐड कर रही हूँ यहाँ पे रफान मैंगो कस्टर्ड। 3 टेबल स्पून मैंने इसमें कस्टर्ड लिया था, 1/2 कप ठंडे दूध में मिक्स किया था, ठीक है। यहाँ पे मैंने इसमें शुगर भी ऐड की थी, मैंने अपने हिसाब से की थी, आप लोग अपने हिसाब से जैसे आपको सही लगती है। कई लोग तेज़ खाते हैं, कई लोग कम खाते हैं, तो उस हिसाब से डाल सकते हैं। यहाँ से वहीं गल गई थी, मैंने चेक किया, तो फिर मैंने उसमें कस्टर्ड ऐड किया था। मैं शुगर इसलिए पहले ऐड कर लेती हूँ कि वो दूध में मिक्स हो जाती है जल्दी से, उसके बाद जब कस्टर्ड ऐड किया जाता है तो वो थिक हो जाता है, तो सही से चीनी जो है वो मेल्ट नहीं होती उसमें। साथ ही मैंने ऑल्पर की क्रीम ले ली थी, जो कि 2 mg, आई थिंक 2 mg का एक साशे होता है, पैक होता है, तो वो मैंने लेके उससे अच्छे से फेंट के तो फिर उसके अंदर वो भी ऐड कर ली थी, और फिर हल्की आंच पे उसे पकाया ताकि कस्टर्ड भी कच्चा ना रह जाए और पक जाए और उसका एक सही अच्छे से टेस्ट आ जाए। उसके बाद फिर मैंने उसे निकाल के ठंडा कर लिया था उस मिक्सचर को सारे को, और फिर ड्राई फ्रूट्स जो हैं वो थोड़े से मैंने काट लिए थे, और साथ ही रसगुल्ले, गुलाब जामुन थोड़े से लाई हुई थी, और एक ये है कॉकटेल टिन एक मैंने लिया था, उसे मैंने ड्रेन करके उसका पानी निकाल दिया हुआ था, और फिर मैंने इसे इस रेसिपी के अंदर डाला था। तो ये जेलीज हैं, जेलीज की रेसिपी ऑलरेडी मैंने अपने इस चैनल पे शेयर की हुई है, जिसको पता नहीं है वो इस पे देख सकता है। तो यहाँ पे 2 किस्म की जेलीज मैंने तैयार कर ली थी, उसको मैंने ठंडा करके कट करके पीसेस में कर लिया था। और यहाँ पे अगर 1 पर्सन के लिए आप बनाना चाहते हैं दूध दुलारी का, मतलब ये एक डेकोरेट करना चाहते हैं या इसको अच्छे से गार्निशिंग करके देना चाहते हो, तो 1 पर्सन के लिए आप 1 ग्लास ले लें छोटा सा, कोई भी जो घर में आपके है, अगर नहीं है तो कोई कटोरी है तो उसमें भी आप डाल के, तो उसके अंदर ये आप जेलीज और थोड़े से फ्रूट्स और ड्राई फ्रूट्स और फिर जो मिक्सचर आपने तैयार किया हुआ है सवैयों वाला, वो उसमें ऐड करके ऊपर गार्निशिंग करके सर्व कर सकते हैं, ठीक है। और वीवर्स, फिर एक और भी आपको एक बात बताती चलूँ कि जिन लोगों के घर में कॉकटेल वगैरह नहीं है या वहाँ करीब इजीली नहीं अवेलेबल होता, तो आप जो है परेशान बिल्कुल भी नहीं होए, आप फ्रेश फ्रूट्स भी यूज़ कर सकते हैं, जैसे बनाना है, एप्पल है, जो सीजनल फ्रूट है, मैंगो है, सब कुछ। तो यहाँ पे ये मैंने एक ये बनाया था, ये मेरे छोटे बेटे ने बड़े मज़े से खाया था, कहता है मम्मा ये तो मेरा है, मैंने खाना है, तो उसने खाया था। तो खैर, यहाँ बाउल में मैंने वो सारा जो मिक्सचर है सवैयों का वो ऐड कर लिया था, उसके अंदर मैंने ये जो कॉकटेल फ्रूट्स हैं और जेलीज हैं, ड्राई फ्रूट्स हैं, सारी चीज़ें जो वो डाल के अच्छे से उसे मिक्स कर लिया था स्पून के साथ, और इसका बहुत मज़े का टेस्ट आता है ऐसे मिक्स कर लें, और एक डिफरेंट चीज़ होती है। आपके बच्चे अगर वैसे सवैयाँ नहीं खाते या कोई भी स्वीट डिश नहीं खाते, तो हर चीज़ जो आप इसमें मिक्स करते हो तो ये भी एक ताकत वाली डिश बन जाती है। तो यहाँ रूम टेम्परेचर पे जब हो गया हुआ था ठंडा करके, तो फिर मैंने उस टाइम थोड़ा सा चेक किया डाल के कि कैसा बना है, और बहुत मज़े का बना था। लेकिन आपको एक बात बताऊं कि जब मैंने रात को फ्रिज में रखा, तो फिर दोबारा से मैंने उसकी थोड़ी सी वीडियो बना ली थी आपके साथ शेयर करने के लिए, कि वो ज़्यादा ही मज़े का था। मतलब ठंडा ठंडी स्वीट डिश, आपको पता है कोई भी हो, कस्टर्ड हो, कुछ भी हो, तो वो बहुत मज़े की लगती है, तो यहाँ भी बहुत मज़े का था। व्यूअर्स, उम्मीद है आपको ये मेरी रेसिपी बहुत पसंद आई होगी, तो आप इसे लाइक शेयर भी कर दिया करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, और साथ ही बेल आइकन का बटन है उसको भी प्रेस करना मत भूलिएगा, ताकि मेरी हर न्यू आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोगों को मिल सके। व्यूअर्स, ये देखें, ये सुबह के टाइम की मैंने वीडियो जो बनाई थी वो है। तो व्यूअर्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।